हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मेरे ब्लॉग पे आप सबका स्वागत है। होप सो आप भी सारे ठीक ठाक होंगे। अभी सुबह के 6 बजे हुए हैं, 6 AM, और हर्ष और मैं दोनों खेल रहे हैं क्योंकि ये मेरा बेटू सुबह का उठ चुका है 4:30 बजे का। और चलते हैं, अभी दिन की शुरुआत करते हैं। 7 बजने को आए हैं, अभी 6 बजे का उठा हुआ है, सोने का नाम नहीं ले रहा, अभी इसने सोना भी नहीं है। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। और यहाँ पे अभी ना हर्ष सो गया है, मैंने इसको फीड करवाई है और इसको बहुत ज़्यादा नींद लगी थी। नहा कर ये कपड़े भी नहीं डालता, इसको ये रहता है कि नहीं मेरे को जल्दी जल्दी फीड करवाओ और मुझे सोना है। अब ये सो गया है, आराम से सोएगा 1 घंटा। तब तक मैं अपना सारा काम कर लूँगी, झाड़ू पोछा वगैरह, बर्तन वगैरह भी पड़े हुए हैं, क्योंकि जब इसका काम मैं करती हूँ तो 1 घंटा इसको लग ही जाता है, 1 से 1.5 घंटे, क्योंकि मालिश करनी होती है, फिर इसको नहलाना, फिर सुलाना। तो अभी ये सो रहा है तो मैं अब सारा काम कर लूँगी। तो अभी फ्रेंड्स, मैं चनों को तुड़का लगाने लगी हूँ। 6 बजे हैं अभी तक ना, शाम के, इवनिंग के, बट मैं अभी बना लूंगी क्योंकि फिर मैंने हर्ष को देखना, आपको सुनाई दे रहा होगा, हर्ष ने अभी रोना शुरू कर दिया है। मैं चने बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी, गोभी बनाऊंगी, चपाती बनाऊंगी, इतना कुछ बनाऊंगी। हर्ष के पापा को बहुत बड़ा आज खाना लगेगा क्योंकि नहीं तो मैं एक ही बनाती हूँ, चने चावल या फिर चने चपाती। आज मैं साथ में गोभी भी बना लूंगी क्योंकि फिर सुबह को मेरे लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। अभी मैं दिखाती हूँ मेरा तड़का, ये देखिए। और हर्ष का रो रो के बुरा हाल है। और ये फ्रेंड्स, आपको जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये लोहड़ी में हर्ष को हम पहनाएंगे, लोहड़ी पे इसको डलवाते हैं। इसकी पहली लोहड़ी है, इसकी नानी ने भेजा हुआ है, और इसको हमारी भाषा में चटका बोलते हैं, झटका। ये सारे ड्राई फ्रूट से बनता है। जब लोहड़ी होगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इसको डाला हुआ है, जब इसको डालेंगे तो। Thank you.
अभी इसमें ना लहसुन वगैरह था तो वो मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, थोड़ा सा करारा सा हो तड़का तभी खाने का भी मजा आता है। और मैंने ये थोड़े से चने सेपरेट किए हैं, साथ साथ में खा रही हूँ मैं। मैंने इधर लगाया हुआ है तो मैं थोड़ी सी डाउन हुई हूँ यहाँ से। मैं हसबैंड को ना ये चीज ऐसे चने निकाल कर ना इसमें प्याज मिर्ची ऐसे कुछ कुछ डालकर बड़ा टेस्टी लगता है। पूछ रही थी कि मैं आपके लिए बना दूं, कहते नहीं। मेरे हस्बैंड ना अभी बाहर गए थे तो वहां से ना लस्सी लेकर आए थे, तो लेकिन चीकू ने रोना शुरू कर दिया, 2 मिनट के लिए आई हूँ। तो लस्सी लेकर आए थे तो उसके ना गिलास है मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं, मैंने स्ट्रॉ भी रख लिया गिलास भी रख लिए। ये इसका गिलास है और ये लस्सी है, ये गिलास ना इसका देखो। यहाँ पे ना सारा कुछ डिब्बों में पैक करके देते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है यहाँ पे हर चीज़। ये और ये इसके स्टोव मैंने दोनों रख लिए। ये देखिए तड़के ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है टमाटर में, अभी हम इसमें चने डाल देंगे। और फ्रेंड्स ये मेरे चने बनके रेडी हो गए हैं। अभी मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डालूंगी, पहले एक बिसल मरवाऊंगी क्योंकि थोड़े थोड़े से कने ना चने अभी मेरे को कच्चे लग रहे हैं खड़े खड़े से, क्योंकि कुकर ना मेरे थोड़ी प्रॉब्लम है कुकर में, पानी बहुत लीक करता है। तो अभी पहले फिर एक बिसल मरवा कर इसको मैं बंद कर दूंगी अभी गैस ना। ये मेरे चने बन के रेडी हो गए हैं। और अगर आपको फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी, गुड नाइट।